केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बड़ा झटका। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण गिराने का दिया आदेश। अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राणे के जू वाले बंगले पर अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने नारायण राणे पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले इसी बंगले में अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी ने भी नारायण राणे को नोटिस भेजा था। मिली जानकारी के मुताबिक बंगले की ऊंचाई 11 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसे 32 मीटर ऊंचा बना दिया गया, जिसके बाद मंगलवार को हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया। नारायण राणे को बीएमसी के वेस्ट वार्ड के अफसर ने नोटिस भेजा था। इसे मुंबई नगर निगम की धारा के तहत बनाए गए प्लान के उल्लंघन के लिए जारी किया गया था। जानकारी के मुताबिक बीएमसी ने जू वाले बंगले पर कथित अवैध निर्माण और बदलाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को नोटिस भेजा था। 21 फरवरी को बीएमसी की टीम ने बंगले का निरीक्षण भी किया था। बीएमसी ने ये नोटिस मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 351 के तहत नागरिक निकाय द्वारा अनुमोदित योजना के उल्लंघन को लेकर जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि बंगले के बेसमेंट से लेकर पूरे बंगले में बदलाव किया गया। आरटीआई एक्टिविस्ट संतोष दौंदकर ने 2017 के बाद से बंगले को लेकर कई शिकायतें दर्ज कराई थी। बीएमसी ने इसे लेकर 25 फरवरी और 4 मार्च को 2 नोटिस जारी किए थे। हालांकि पहले नोटिस में अवैध निर्माण का जिक्र नहीं था, 4 मार्च को भेजे गए नोटिस में अवैध निर्माण का जिक्र था। आपको बता दें, बीएमसी ने आर्ट लाइन प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 7 दिनों में जवाब देने के लिए कहा था कि वो ये साबित करे जो काम बंगले में किया गया उसे बीएमसी से मिली अनुमति के आधार पर किया गया है। बीएमसी ने कहा था कि अगर बंगले के मालिक ऐसा करने में विफल रहते हैं तो इस अवैध हिस्से को हटा दिया जाएगा। इसके अलावा मालिक पर केस चलेगा, इसमें कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं नारायण राणे ने बताया था कि उन्हें उनके जू वाले बंगले के लिए नोटिस मिला है जहां उनका परिवार रहता है। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने कोई अवैध निर्माण नहीं किया, वो 2009 में इस बंगले में शिफ्ट हुए थे। उनके पास बीएमसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट भी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।